Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में chapter start है organism and population, जैसे कि आप देख रहे हो. ठीक है, आज का जो टॉपिक है, हमने कल का जो क्लास में ये सारे कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट टॉपिक. आज का जो टॉपिक है वो है बायोटिक फैक्टर ऑफ लाइट. ठीक है, कल टेम्परेचर पढ़े थे, बायोटिक फैक्टर ऑफ टेम्परेचर. आज का जो टॉपिक है वो है बायोटिक फैक्टर ऑफ लाइट. ठीक है, पहले देखो लाइट में क्या आता है, तो फोटोसिंथेसिस आएगा, कैनोपिक का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे. ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइट देखेंगे, फिर देखेंगे फोटो पीरियोडिज्म एंड ऑक्टोडर्मल वेरिएशन. देखो फोटो मतलब क्या होता है, तो फोटो मतलब होता है लाइट. फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के थ्रू जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब देखो क्वांटिटी ऑफ लाइट, कितने टाइप्स के क्वांटिटी ऑफ लाइट होंगे, तो कितने टाइप्स के क्वांटिटी ऑफ लाइट होंगे, तो वो होगा 400 से लेके 400 टू 700 किलोमीटर. हम लोग को जो लाइट, हम लोग किस 400 से लेके 700 जो नैनोमीटर होगा उतने में हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो फोटोपीरियडिज्म एंड नॉक्टोन्यूट्रल ड्यूरोनल वेरिएशन, ये जो फोटो है ये किस में होता है, तो रेगुलेट्स इन एंजियोस्पर्म्स, जितने भी एंजियोस्पर्म्स है उसमें ये क्या होता है, होता है. ठीक है, एन का जो अगर देखे तो एन में क्या होगा, तो इसका मतलब होता है नाइट. देखो लाइट में क्या क्या कितने से हम लोग देख सकते हैं, तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर इन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं. और फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, लाइट के थ्रू जो पेड़ पौधे वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, लाइट के थ्रू. ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे हम लोग एबायोटिक फैक्टर इन सॉइल. सॉइल में हम लोग एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे. ठीक है, देखो द नेचुरल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल इन अ डिफरेंट प्लेस वेरीज. देखो नेचर में और प्रॉपर्टीज में अलग अलग टाइप्स के क्या है, सॉइल है, सॉइल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर इज सॉइल इज अ ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सॉइल डेवलप ऑकर्ड. देखो जैसे ये क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो किस पे, वेदर के, वेदर पे डिपेंडेंट होता है. वेदर का प्रोसेस जैसे जैसे चेंज होता है किसके थ्रू होता है, क्लाइमेट के थ्रू होता है. ठीक है, सॉइल जो है वो वेदर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सेडिमेंट्रीज में. ठीक है, वही सॉइल जो है वो डेवलप्ड कर जाता है, आगे डेवलप्ड कर जाता है. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आगे डेवलप्ड कर जाता है सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल में. ठीक है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन द प्रोकलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स. देखो सॉइल का काम क्या होता है, वो क्या करता है, रूट्स को हेल्प करता है, वाटर को होल्डिंग करने का कैपेसिटी होता है. ठीक है, पानी को जड़ों से होल्ड करने का काम किसका होता है, तो वो सॉइल का काम होता है. ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विथ अ पैरामीटर सच एज अ पीएच, मिनरल्स कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरियाज. देखो इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, पीएच वैल्यू ठीक होता है, मिनरल्स होता है. ठीक है, बहुत सारे कॉम्पोजिशन होते हैं, टोपोग्राफी होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, तो लार्ज अमाउंट में वेजिटेशन होता है. ठीक है, दिस इज अ टर्म इंडिकेटेड द टाइप्स ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड. वो एनिमल्स को भी सपोर्ट देने में काम करता है सॉइल. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट को सपोर्टिंग का काम कौन करता है, तो सॉइल करता है. ठीक है, अब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर का क्या क्या रिस्पॉन्स है वो देखो. ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें, रेगुलेट में. जितने भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं, तो हाइयर सर्फेस पर रहता है. ठीक है, कुछ हायर सरफेस होता है लेकिन वहाँ का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो कंपेयर्ड होता है, उसके तुलना में ये क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो हीट एनर्जी ये सब क्या होगा, तो लॉस होगा. सॉरी, देखो जितने भी
स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहता है, हायर सरफेस पे रहता है। ठीक है, देखो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो जितने भी हीट एनर्जी लॉस, हीट एनर्जी जो है वो सब क्या करेगा, स्मॉलर स्मॉल एनिमल्स एनी हैव नॉट फाउंड इन पोलर एरियाज। देखो जितने भी स्मॉलर एनिमल्स हैं वो सब पोलर एरियाज में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी स्मॉलर एनिमल्स हैं वो सब नहीं पाए जाते, जितने भी बिग एनिमल्स जैसे पोलर बियर्स, लिपॉड्स, पोलर लिपॉड्स ये सब जितने भी वो सब कहाँ पाया जाता है, तो पोलर एरियाज में पाए जाएंगे। ठीक है, देखो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेंटेन, देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो मेंटेन कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, वो जितने भी इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जितने भी अंदर है वो सबको क्या करता है, मेंटेन करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, उस तरीके से ढाल लेता है, उसको ही हम लोग रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर कम्फर्ट, कम्फर्ट देखो अब जो एबायोटिक फैक्टर है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, कम्फर्ट को क्या कर रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, व्हाई ऑर्गेनिज्म हैव नॉट इन्वॉल्व टू बिकम अ रेगुलेटर्स, देखो माइग्रेशन के थ्रू, सस्पेंशन के थ्रू, हाइब्रिडेशन के थ्रू, या एस्टिगेशन या डिस्पर्स, ये सारे क्या है, प्रोसेस है, ये सब के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, तो रेगुलेटर्स कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। देखो बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी, ये सब जितने भी है वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, स्पोर्स, ये सब क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। वही स्पोर्ट्स का पास क्या रहेगा, तो थिक वॉल होगा। अब वही स्पोर्ट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, देखो ये क्या है, ये इंटरनल लेवल है और ये एक्सटर्नल लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्शियली रेगुलेट कर रहा है, यहाँ का जो टेबल है धीरे धीरे जो एरियाज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद इक्वल लेवल में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो रेगुलेटर्स है, तो ये जो पार्शियल रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटर के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और कंफर्ट जो है वो थोड़ा ऊपर चल गया, इससे रेगुलेटर से ऊपर इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, तो ऑर्गेनिज्म का, रिस्पांस का, ये डायग्राम है। ठीक है।